मैं जस्ट मेरे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ अराउंड ऑल इंडिया के साथ. 2016 और 15 मुझे लिटरली पता नहीं था कि राउंड टेबल इंडिया ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है. आई थिंक मोस्टली 15 या 14 तक. 2015 का एंड में मैं फिल्म के बारे में सोच रहा था कि मुझे फिल्म करना है भीमा कोरेगांव के ऊपर. एंड उस टाइम पे मैंने रिसर्च कर रहा था ऑनलाइन स्पेस पे, और तब शायद किसी ऑनलाइन स्पेस पे आर्टिकल्स नहीं थे. शायद तब मेरा इंटरेक्शन राउंड टेबल से हुआ कि प्रज्ञा का आर्टिकल था तब, एंड मैंने सुकन्या का एक आर्टिकल पढ़ा था. आई थिंक मुंबई में एक प्रोग्राम हुआ था किसी फेमिनिस्ट यूएस के ब्लैक फेमिनिस्ट, हाँ वो आर्टिकल पढ़ा था. और मैं सोच रहा था कि कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपका आर्टिकल आने के लिए आप कोई महान होने चाहिए या आपका कुछ ग्रेट वर्क होना चाहिए. यही एक इंटरेक्शन था. तो मैं फॉलो करता रहा और इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ ट्रूथ है. इट्स लाइक कि क्योंकि मैंने मीडिया स्टडीज किया था एंड बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो आता है वो एक डेटा या कंटेंट, और इसमें कुछ तो फर्क है. समथिंग लोग कुछ तो ट्रूथ के बारे में बोल रहे हैं, और बहुत ही अलग अलग लोग हैं जिनको कोई प्रिविलेज नहीं है. कास्ट का प्रिविलेज या क्लास का या सिटी का या लैंग्वेज का भी प्रिविलेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रिविलेज. एंड जब मैं फिल्म करता रहा तभी कुछ लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ. और अभी जब मैं मेरे फ्रेंड या कुछ बताते कि तुम्हारा नाम गूगल किया तो बहुत कुछ आता है, एटलीस्ट 70 या 80 लिंक आते हैं. तो मैं सोचने लगा कि मेरे बारे में फर्स्ट टाइम कहाँ पर आया था ऑनलाइन स्पेस पे, या न्यूज कौन सा आया था मेरे बारे में. तो मेरे 2016 में मेरे फिल्म का एक स्टोरी कि ये ऐसा ऐसा कोई फिल्म बना रहा है और ऐसा फिल्म आ रहा है वो राउंड टेबल इंडिया पे आया था. और वो मेरे लाइफ का फर्स्ट ऑनलाइन ये था कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आपके बारे में लिख के आना और आपका फोटो भी उसके साथ आना, वो एक अलग फीलिंग होता है, एक कॉन्फिडेंस देने वाला फीलिंग. और उसके बाद राउंड टेबल इंडिया के जो भी लोग हैं, मतलब मुझे पता चला कि ये कोई फंड, कोई ऐसा प्रॉपर फंड देख के चलाने वाला या कोई फेलोशिप से या कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. तब से मेरा डायलॉग होता रहा या मैं पढ़ता रहा राउंड टेबल. एंड मुझे हमेशा लगता है कि मेरा जो भी फिल्म मेकिंग का जर्नी है उसमें राउंड टेबल का बहुत कंट्रीब्यूशन है. जैसे मैंने और मेरा फिल्म भी, इसलिए मैं जब फिल्म कंप्लीट हुआ और दो ये था कि मैं फिल्म मेरा सेल भी कर सकता था ऑनलाइन स्पेस पे या कहीं पे भी. मुझे लगा कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं फिल्म रख सकता हूँ. तब तक ये वायलेंस भी नहीं हुआ था 2018 का, एंड मोस्टली भीमा कोरेगांव अम्बेडकर सर्कल के बारे में पता भी नहीं था. मुझे लगा कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है और यहाँ से मुझे कुछ पैसे कमाने नहीं है. तो मैंने इस प्लेटफॉर्म पे फिल्म रखा था. एंड जब जो भी स्टोरीज आते हैं मेरे बारे में, मैं जो भी आर्टिकल शेयर करता हूँ ईमेल से, वो कभी डिनाई नहीं किए जाते, वो हमेशा पब्लिक होते हैं, पब्लिश होते हैं राउंड टेबल से. एंड मुझे लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं है. मतलब आप कोई स्पेशल, बिकॉज इंडिया के जितने भी नॉलेज सेक्टर है वो सारे कॉन्टैक्ट पे चलते हैं. अगर हम किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो वहाँ पे जो इम्प्लॉई है या एनी सेक्टर, प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट, एटलीस्ट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से थोड़ा डाइवर्सिटी दिखता है, बट प्राइवेट सेक्टर कंप्लीट एक किसी कास्ट का घेटो जैसा है. और वहाँ पे जो राउंड टेबल पे जो कंटेंट आता है, ऐसा कंटेंट या ऐसे लोग लिखने वाले लोगों के आर्टिकल आना, वो बहुत इम्पॉसिबल है आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर कास्ट के घेटोज की वजह से. सो थैंक यू राउंड टेबल इंडिया. एंड मुझे लगता है कि ऐसे ग्रुप, ऐसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे जैसे जो लोग हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको एक वॉइस मिलता है या उनको एक
support system ki tarah Roundtable India. So thank you so much. Thanks.